फ्रेंड्स, हेयर यू वॉचिंग इंग्लिश विद जीनत। मैं हूँ जीनत। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ हिंदी बारखड़ी इंग्लिश में। व्यंजन पार्ट फोर, कॉन्सोनेंट। चा को इंग्लिश में कहते हैं सी एच, चा को इंग्लिश में कहते हैं सी एच ए, चा। चा ची, ची को इंग्लिश में कहते हैं सी एच आई, ची। ची बड़ी ची को इंग्लिश में कहते हैं सी एच डबल ई, ची। चू, चू को इंग्लिश में कहते हैं सी एच यू, चू। ये छोटों की मात्रा है चा पर, चू। ये बड़ेओं की मात्रा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सी एच डबल ओ, चू। चे, चे को इंग्लिश में कहते हैं सी एच ई, चे। चे, चे को इंग्लिश में कहते हैं सी एच ए आई, चे। चो, चो को इंग्लिश में कहते हैं सी एच ओ, चो। चो, चाओ, हिंदी में इसे चाओ और इंग्लिश में इसे चाओ, सी एच ए यू, चाओ। चाम, चाम को इंग्लिश में कहते हैं सी एच ए एम, चाम। और चान, सी एच ए एन, चान। छा, छा को इंग्लिश में कहते हैं सी डबल एच, छा। बड़ा छा, बड़े इसे हिंदी में छा और इंग्लिश में सी डबल एच ए, छा। छी, इसे हिंदी में छी और इंग्लिश में भी छी कहते हैं, सी डबल एच आई, छी। छी, छी को हिंदी में छी और इंग्लिश में भी छी कहते हैं, सी डबल एच डबल ई, छी। छू, छू को इंग्लिश में कहते हैं सी डबल एच यू, छू। छू, छू, छू को इंग्लिश में कहते हैं सी डबल एच डबल ओ, छू। छे, छे को इंग्लिश में कहते हैं सी डबल एच ई, छे। छे, छे को इंग्लिश में कहते हैं सी डबल एच ए आई, छे। छो, छो को इंग्लिश में कहते हैं सी डबल एच ओ, छो। छो, छम, छाम को इंग्लिश में छाम भी कहते हैं और छैन भी कहते हैं, सी डबल एच ए एम, छाम, सी डबल एच ए एन, छाम। ज, ज को इंग्लिश में ओनली ज कहते हैं, ज। बड़ा ज, इसे हिंदी में ज और इंग्लिश में जे और ए कहते हैं, ज, ज पढ़ा जाता है इंग्लिश में। जी, जी को इंग्लिश में कहते हैं जे और आई, जी। हिंदी में भी जी और इंग्लिश में भी जी, जी। बड़ी जी को इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में जी और बड़ी इंग्लिश में जी, जे डबल ई जी। जू, जू, ये छोटे की मात्रा है जहाँ पर, जे यू, इंग्लिश में इसे जू कहते हैं, जे यू। जू, ये बड़े ओ की मात्रा है जू पर और इसे इंग्लिश में जे डबल ओ, जू कहते हैं। जे, जे को इंग्लिश में जे और ई कहते हैं, जे। जे, ये बड़े की मात्रा है जे, इंग्लिश में इसे जे ए आई, जे कहते हैं। जो, जो को इंग्लिश में कहते हैं जे और ओ, जो। जो, जाओ, जाओ इंग्लिश में इसे कहते हैं जे ए यू, जाओ। ये दो बड़े ओ की मात्रा है, जाओ। जम, इंग्लिश को में इसे कहते हैं जे ए एम, जम। और जैन, जम को जम भी कह सकते हैं और जैन भी कह सकते हैं। झा, झा को इंग्लिश में कहते हैं जे और एच, झा। झा, झा को इंग्लिश में कहते हैं जे एच ए, झा। ये आ की मात्रा है झा। जी, छोटे की मात्रा है झा पर, इसे इंग्लिश में कहते हैं जे एच आई, झी। झी, बड़ी की मात्रा है झा पर, इसे इंग्लिश में झी और इंग्लिश में भी झी कहते हैं, जे एच डबल ई झी। झू, इसे हिंदी में झू और इंग्लिश में भी झू ही कहते हैं, जे एच यू, झू। झू, झू, इंग्लिश में इसे कहते हैं जे एच डबल ओ, झू। जो बड़े ओ की मात्रा हो जो डबल ओ आता है, झे, जे एच ई, झे। बस इंग्लिश में इसे झे कहते हैं, झे, इंग्लिश में इसे जे एच ए आई, झे। बड़े की मात्रा है झे पर, झो, ये ओ की मात्रा है झो पर, इंग्लिश में इसे जे एच ओ, झो कहते हैं। झो,
झाऊ को इंग्लिश में कहते हैं जे एच ए यू, झाऊ। हिंदी में झाऊ, इंग्लिश में भी झाऊ, झाम। झाम को इसे इंग्लिश में जे एच ए एम झाम और झैन भी कहते हैं, जे एच ए एन झाम। टा, टा को ओनली टा को इंग्लिश में कहते हैं टी, टा। बड़े टा को इंग्लिश में कहते हैं टी और ए, टा, टा। टी, टी को इंग्लिश में कहते हैं टी और आई, टी। छोटी की मात्रा है टी और टी, टी। बड़ी की मात्रा है टी डबल ई, टी। इंग्लिश में इसमें थे टी कहते हैं। टू, टू को इंग्लिश में कहते हैं टी डबल ओ, टू। ये बड़े ओ की मात्रा है टू पर। टे, ये एक ही मात्रा है टे, टी ई टे। इंग्लिश में इसे टे कहते हैं। टो, ये ओ की मात्रा है अगर अंडे पर लगी हुई, टो। इंग्लिश में इसे टी और ओ कहते हैं, टो। ताम, ताम को इंग्लिश में ताम और टेन दोनों तरीके से कहते हैं, टी ए एम टी ए एन। था, था को इंग्लिश में ओनली टी और एच कहते हैं, था, था। अभी आ की मात्रा लगी हुई है, हिंदी में इसे ठा और इंग्लिश में इसे टी एच ए, था। थी, टी एच डबल ई, इसे इंग्लिश में थी कहते हैं, थी। ठू, ठू को इंग्लिश में कहते हैं टी एच डबल ओ, ठू। ये ठू पे ओ की बड़े ओ की मात्रा, ठू। ठे, ठे को इंग्लिश में कहते हैं द, द पढ़ा जाता है, टी एच ई, द भी पढ़ सकते हैं, थो भी पढ़ सकते हैं। ठू, ठो को इंग्लिश में कहते हैं टी एच ओ, ठू। ठाओ, ठाओ को इंग्लिश में कहते हैं टी एच ए यू, ठाओ, ठाओ। थाम, थाम को इंग्लिश में थाम भी कहते हैं और थैन भी कहते हैं, टी एच ए एम टी एच ए एन, थान। ड, ड को इंग्लिश में डी कहते हैं ओनली, ड। और बड़े डा को जो आकर डंडा लग जाता है तो डी और ए का आ जाता है इंग्लिश में, ड। डी, डी को इंग्लिश में कहते हैं डी और आई, डी, डी। हिंदी में इसे डी कहते हैं बड़ी की मात्रा और इसे इंग्लिश में डी डबली डी कहते हैं। डू, डू को इंग्लिश में कहते हैं डी और यू, डू, डू। डे, डू, डू को इंग्लिश में कहते हैं डी डबल ओ, डू, डू। डे, हिंदी में ये डे पे एक ही मात्रा है, डे, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डी और ई, डे। डो, ये ओ की मात्रा है डो पर, इसे इंग्लिश में डी और ओ कहते हैं, डू। डाओ, डाओ को इंग्लिश में कहते हैं डी ए यू, ये डबल ओ की मात्रा है। डन, डी ए एन, इसे डन कहते हैं, डी एन डन। इस पर बिंदी भी लगी होती है जब भी ये डन ही पढ़ा जाता। डी एच ढ, इसे इंग्लिश में ढ कहते हैं, ढ, ढ, ढ। ढ को इंग्लिश में कहते हैं डी एच ए, ढ, ढ। ढी, ढी को इंग्लिश में कहते हैं डी एच आई, ढी, ढी, ढी। ढी को इंग्लिश में कहते हैं डी एच डबल ई, ढी, ढी। डू, डू को इंग्लिश में कहते हैं डी एच यू, डू, डू। डू को इंग्लिश में कहते हैं डी एच डबल ओ, डू। ये बड़े ओ की मात्रा लगी हुई है डू पर। डे, ये डे पर एक ही मात्रा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डी एच ई, ढी। ढे, डे पर डबल ए की मात्रा है, ढे, इंग्लिश में इसे डी एच ए आई, ढे कहते हैं। ढो, ये ओ की मात्रा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डी एच ओ, ढो। ढो, ये डबल ओ की मात्रा है ढ पर, इसे इंग्लिश में कहते हैं डी एच ए यू, ढो। डन, धन को इंग्लिश में कहते हैं डी एच ए एन, धन। इस पर बिंदी भी लगी होती है जब भी इसे धन ही पड़ जाता। ता, ता को इंग्लिश में कहते हैं टी, टी, ता। बड़े ता को इंग्लिश में कहते हैं टी और ए, ता, टी। टी को इंग्लिश में कहते हैं टी और आई, टी, टी, टी डबल ई, टी, टी। टू, टी और यू, टू, टू, टू। ये बड़े ओ की मात्रा है, इस इंग्लिश में टी डबल ओ टू कहते हैं, टू। टे,
ते को इंग्लिश में कहते हैं टी और ई, ते ते तय, ये डबल ए की मात्रा है हिंदी में, इसे ते कहते हो इंग्लिश में टी ए आई, ते तव तव, तव को इंग्लिश में कहते हैं टी और ओ, तव ये ओ की मात्रा है ता पर, तव डबल ओ की मात्रा है ता पर, इसे इंग्लिश में कहते हैं टी ए यू, तव ताम, ताम को इंग्लिश में कहते हैं टी ए एम भी कहते हैं इसे टी ए एन, ताम और तान दोनों तरीके से कह सकते हैं। था, था को इंग्लिश में कहते हैं ओनली टी और एच, थ था, बड़े था को इंग्लिश में कहते हैं टी एच ए, था था, थी, थी को इंग्लिश में कहते हैं टी एच डबल ई, थी थी, थू, थू को इंग्लिश में कहते हैं टी एच यू, थू थू थू, बड़े ओ की मात्रा है ये थू पर, इसे इंग्लिश में कहते हैं टी एच डबल ओ, थू थे, थे को इंग्लिश में कहते हैं टी एच ई, द, द भी कहते हैं थे भी कह सकते हैं इसे, थे, थे को इंग्लिश में कहते हैं टी एच ए आई, डबल ए की मात्रा है थे पर, थे थो, थो को इंग्लिश में कहते हैं टी एच ओ, थो पर ओ की मात्रा है ये थो, थव, थव को इंग्लिश में कहते हैं टी एच ए यू, थव थव, थाम, थाम को इंग्लिश में कहते हैं टी एच ए एम, थाम थाम, इसे थान भी कहते हैं और थाम भी कहते हैं, उस पर बिंदी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।